मेरी बीवी की मौत मेरे लिए किसी तरह भी काबिले कबूल नहीं थी। मुझे लगता था वो जिंदा है, यहीं कहीं मेरे आसपास है, वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। हमने तो एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर आखिर वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती थी। मैं कई रातों से सो नहीं सका था। जब दिल की बेचैनी हद से बढ़ गई तो मैं उठा और खामोशी से घर से बाहर निकल गया। हर सू खामोशी थी, हल्की हल्की बारिश मेरा चेहरा भिगो रही थी। मुझे याद आने लगा कई बार हम हाथ पकड़े ऐसी हल्की बारिश में एक दूसरे की संगत ढेरों बातें किया करते थे। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे कदम बस कब्रिस्तान जाकर ही रुके थे। मेरी माँ ने मेरे कमरे से मेरी बीवी की सारी तस्वीरें गायब कर दी, क्योंकि मैं हर वक्त इसकी तस्वीरों से बातें करता रहता था। मैं दीवानों की तरह अपनी बीवी की कब्र पर गिरा था। आसपास कोई भी शख्स मौजूद नहीं था सिवाय कब्रों के। रात के 1 बज रहे थे जब नीम रोशनी में मुझे बीवी की कब्र पर पड़ी मिट्टी से शदीद कोफत होने लगी। आखिर ये मिट्टी ही तो थी जिसने मेरे और मेरी बीवी के बीच एक पर्दा हाइल कर रखा था। चंद दिन पहले मैंने रोते हुए इसे मनो मिट्टी के हवाले किया था, लेकिन आज इसकी याद ऐसी सताई कि मैंने बगैर एक लम्हा की देरी लगाए मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। मैं जल्द अज जल्द अपनी बीवी को निकाल कर बेतहाशा प्यार करना चाहता था। अभी कब्र आधी ही खोदी थी कि मुझे एक आवाज आई जिसे सुनकर मैं कांप कर रह गया था। वो आवाज तो मेरी बीवी की थी जो कब्र में। मैं उस दिन बहुत खुश था, यूं लगता था जैसे सारी कायनात की खुशियां मेरी गोद में लाकर डाल दी गई हैं। मैं 4 साल से रानिया को अपनी महरम बनाने की जद्दोजहद में लगा था और आखिरकार आज के दिन मेरा रिश्ता रानिया के साथ तय हो चुका था। मैंने खुशी से अपने दोस्तों को पार्टी भी दी थी। मुझसे अब और इंतजार करना महाल हो रहा था। मैंने अपनी अम्मी अबू को कहा कि बस इसी माह के आखिर तक मेरी और रानिया की शादी कर दें। मेरे अबू को तो उससे मसला नहीं था, मगर मेरी अम्मी के दिल में अभी भी कई खदशात थे। वो कहती कि छोटे घर की लड़की है, हमारे रीतों रिवाज निभाना इसके बस की बात नहीं, मगर मेरे इसरार करने पर उन्हें मानना ही पड़ा। मैं पहली ही नज़र में रानिया के हुसन का दीवाना हो चुका था। रानिया भी बहुत खुश थी, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं उससे करता था वो भी मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। मैंने उससे कभी माथे पर बल डालकर बात नहीं की थी। मैं जानता था वो सिर्फ मेरी मोहब्बत की आती है। एक दफ़ा फ़ोन पर किसी बात पर मैंने उसे गुस्से से कुछ कह दिया था तो रानिया ने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। मैंने कितने जतन से उसे मनाया था, अपने कान पकड़कर उससे माफ़ी भी मांगी थी। उस दिन से मैंने खुद से वादा किया था कि अब दोबारा कभी रानिया की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। चंद दिनों बाद ही हमारी शादी हो गई और रानिया रुखसत होकर मेरे साथ मेरे घर आ गई। वो रात मैं कैसे भूल सकता था। वो मेरे सामने बैठी थी। मेरी 4 साल मोहब्बत और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर चंद पल मैं सिर्फ ये यकीन करता रहा कि मैं सचमुच इसे पा चुका हूँ। मैं जितना खुद पर रश्क करता था उतना कम था। रानिया को पाकर मुझे लगा मैं सारी खुशियां पा चुका हूँ। शुरू शुरू में अम्मी का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा रहा, मगर वक़्त गुजरने के साथ साथ वो सास जैसा रवायती रवैया इसके साथ रखने लगी। रानिया बहुत अच्छी अखलाक की मालिक थी। इसे पाकर मैं दुनिया का हर गम भूल चुका था। हमने हनीमून पर जाने का प्रोग्राम बनाया तो हर बार वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उन्हीं दिनों मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो जाया करती थी या फिर कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाती कि हम जा ही ना पाते। हमारी शादी को 3 माह गुजर चुके थे। मैंने 3 माह बाद रानिया के साथ घूमने का प्लान बनाया। कुछ दफ्तरी काम भी निपटाने थे, इसलिए रानिया का वीज़ा और टिकट भी साथ ही बुक करवा लिया था। हम दोनों ही बहुत खुश थे, मगर जब जाने से पहले रानिया से मैंने इसका पासपोर्ट मांगा तो एक धचका सा लगा था, क्योंकि इसके बैग में इसका पासपोर्ट मौजूद नहीं था। फ्लाइट में 3 घंटे बाकी थे। वो अपने कमरे के हर कोने में ढूंढने लगी, यहाँ तक कि पूरा घर छान मारा, मगर वो कहीं ना मिला। मुझे इस दिन पहली बार रानिया पर इस कदर गुस्सा आया था। आखिर वो इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती थी। रानिया रोने लगी थी, मेरी माँ भी रानिया को ही कोस रही थी, जबकि अबू एक जानब खामोशी से खड़े थे। उस रात मजबूरन मुझे अकेले ही दुबई जाना पड़ा। मेरा दिल बुरी तरह टूटा था। मैंने कई ख्वाब सोचे थे, मुझे गुस्सा भी आया था। इस कदर बेचैनी थी कि मैं रानिया से बगैर मिले और अलविदा कहे ऐसे ही घर से निकल आया। मैं जानता था रानिया मेरे पीछे खड़ी रो रही है, मगर मैं गुस्से में अपनी जान का भी दुश्मन बन चुका था। इतने ख्वाब और सरप्राइज मैंने रानिया के लिए वहां रखे थे, मगर ऐन मौके पर सिर्फ एक लापरवाही की वजह से सब कुछ खत्म होकर रह गया था। ये जाने बगैर कि शायद यह हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात भी साबित हो। मैं दुबई पहुंचकर पूरी तरह खुद को काम में मसरूफ कर चुका था। रानिया से मेरी इन दिनों कोई बात नहीं हुई थी।
और ना ही मैंने खुद घर में कॉल की थी। मैं गुस्से का थोड़ा तेज मिजाज था। मुझे नाराजगी थी कि आखिर रानिया जैसी सुगढ़ और समझदार लड़की इतनी अहम बात कैसे भूल सकती थी। दो दिन तक जब मेरा मूड कुछ खुशगवार हुआ तो मैंने घर कॉल की। हैरत की बात यह थी कि इस बीच मेरे घर से मुझे माँ बाप ने भी कॉल नहीं की थी, ना ही रानिया ने मुझे मनाने की कोशिश की। शायद मेरा रवैया सबके साथ ही बुरा रहा था। उस दिन मेरी बेताबी अरूज पर थी। मैंने घर कई बार कॉल की मगर किसी ने नहीं उठाया। चार दिन यूं ही गुजर चुके थे। मुझे अब फिक्र होने लगी थी, आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी थी। हनीमून ट्रिप मेरा खराब हुआ था और मूड बाकी सब खराब करके बैठे थे। मेरा सुकून तो जैसे खत्म ही होकर रह चुका था। मैंने जल्दी से वहां पर सारा काम निपटाया और 6 दिन के अंदर अंदर वापस पाकिस्तान लौट कर आ गया। दिल को अजीब सी बेचैनी ने जकड़ रखा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। 6 दिन तक रानिया से बगैर बात किए रहना मुझे सदियों बराबर लग रहा था। मैं इसके लिए कई गिफ्ट लेकर वापस आया था और सोच लिया था कि अगले ही हफ्ते रानिया को लेकर मैं एक लंबे अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। मैं जब घर पहुंचा तो घर वीरान था। मैंने अम्मी और रानिया को कई आवाजें दी मगर सब न जाने कहाँ थे। मैंने मुलाजिम से पूछा तो वो थोड़ा हिचकिचाता हुआ बोला कि साहब जी, बड़ी मालकन और मालक तो कुछ देर पहले ही कब्रिस्तान के लिए निकले हैं। कब्रिस्तान का नाम सुनकर मेरे होश उड़े थे। आखिर कब्रिस्तान जाने का क्या मकसद था? क्या किसी की वफात हुई थी? मैं चौंककर सोचने लगा और फिर खामोशी से गाड़ी निकालकर करीबी कब्रिस्तान की जानब जाने लगा। मेरी धड़कने इस कदर तेज हो चुकी थी कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी, जैसे न जाने कौन सी क्यामत टूटने वाली थी मुझ पर। मैं कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर पहुंचा था। मुझे कुछ दूरी पर अपने अम्मी अबू खड़े दिखाई दिए थे मगर इनके साथ रानियां तो कहीं भी मौजूद नहीं थी। मैं बोझल कदमों के साथ इनके करीब पहुंचा। मुझे देखकर अम्मी के औसान खता हुए थे। वह सिसक कर मुझे थाम कर बोली, वापस आते ही यहाँ क्यों चले आए? मेरे अबू का चेहरा जर्द पड़ा था। मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर वो यहाँ क्यों आए थे, किसकी वफात हुई है? इतना कहना था कि वो दोनों खामोश हो गए। मेरी नज़र बेसाख्ता इस कब्र पर गई जिसके पास मेरे अम्मी अबू खड़े थे। तख्ती पर लिखा था रानिया आसिफ। ये नाम, ये लफज मैंने कई बार पढ़े और लबों से दोहराए थे मगर हर बार दिल इस ख्याल की नफी कर रहा था कि ये रानिया आसिफ मेरी बीवी नहीं बल्कि कोई और है। मैं ना समझी से इस कब्र को कितनी ही देर घूरता रहा और फिर मासूमियत से अपनी अम्मी को कहने लगा कि किसकी वफात हुई है, ये कब्र किसकी है? मेरे वालदैन की खामोशी मेरे दिमाग में आंधियां ला चुकी थी। मेरा दिमाग इससे आगे कुछ सोच ना सका। क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, मुझे पूछने की मोहलत ही ना मिली। मैं एक चीख मारकर जमीन पर गिर चुका था। मुझे दूसरे दिन होश आया तो अम्मी ने बताया कि रानिया ने छत से कूद कर खुदकुशी कर ली। मैंने कहा, वो कैसे ये सब कर सकती है? मेरी वालदा कहने लगी कि वो बहुत जिद्दी और जज्बाती लड़की थी। मैं उसे छोड़कर क्यों चला गया? उसे इस बात पर गुस्सा था। 2 दिन वो भूखी प्यासी कमरे में बंद रही। मेरी माँ ने इसकी बहुत मिन्नतें की कि वो कुछ खा ले, लेकिन इसने एक नुमाला भी मुंह में नहीं डाला था। और रात को जब सब सो रहे थे, अचानक से मेरे वालदैन की आंख सेहन में किसी चीज के गिरने से खुली। जब वो हड़बड़ाकर जल्दी से उठकर सेहन में गए तो रानिया उस वक्त जमीन पर गिरी थी। इसके सर और नाक से खून निकल रहा था। वो मर चुकी थी। मैंने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहने लगी, उन्हें खुद गहरा सदमा था। मैं बहुत रोया था और हर रोज इसकी कब्र पर जाने लगा, रोने लगा। लेकिन आज जब मैं इसकी कब्र पर पहुंचा तो अपना अख्तियार खो बैठा था, इसलिए मिट्टी को खोदने लगा कि मुझे अपने अकब से एक नसवानी आवाज सुनाई दी। जब मैंने पलट कर देखा तो कब्रिस्तान के गोरकन के साथ रानिया मेरे पीछे पट्टियों में लिपटी खड़ी थी। मैं उसे जिंदा देखकर हैरत जता रह गया था। मैं भागकर इसके पास आ गया, इसे छूकर यकीन करने लगा कि वो वाकई जिंदा थी। मैंने कहा, तुम जिंदा हो तो फिर मेरे वालदा ने कैसे कह दिया कि तुम मर चुकी हो और तुम जख्मी कैसे हुई? मेरी बात सुनकर वो यकदम मेरे साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी कि आपके वालदा ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा पासपोर्ट और टिकट आपकी वालदा ने जानबूझकर छुपा लिया था ताकि मैं आपके साथ ना जा सकूं। उन्हें आपके लिए अपने भाई की बेटी पसंद थी, इसलिए उन्होंने पहले तो मुझ पर बद किरदारी का इल्ज़ाम लगाया, मुझसे मेरा फ़ोन तक छीन लिया ताकि मैं आपसे रबता ना कर सकूं। फिर एक रात मुझे छत पर ले जाकर छत से नीचे फेंक दिया। मैं बेहोश हो गई। उन्हें लगा कि मैं मर चुकी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे दफना दिया। लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरा घुटन से सांस ठीक से नहीं आ रहा था। मैं होश में आई तो चिल्लाने लगी।
मुझे इसी कब्रिस्तान के गोरकर ने मेरी कब्र खोद कर निकाला, मुझे हॉस्पिटल ले गया, मेरी जान बच गई। मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे आज ही पता चला कि आप रोज मेरी कब्र पर आकर रोते हैं, इसलिए मैं जैसे ही कुछ बेहतर हुई यहाँ आ गई। मुझे अपने माँ बाप की सफाकी पर अफसोस हुआ था। मैंने इस गोरकन का शुक्रिया अदा किया, चंद दिन रानिया को होटल में रखा, इसका पासपोर्ट और टिकट बनाकर इसे अपने साथ दुबई ले गया। मैंने अपने वालदैन को रानिया के बारे में कुछ नहीं बताया, इनसे बस यही कहा मैं हमेशा के लिए दुबई जा रहा हूँ। मेरी माँ यह सुनकर रोने लगी, कहने लगी ऐसा मत कहो, तुम क्यों एक लड़की की खातिर खुद को बर्बाद कर रहे हो, मैं तो अपने भाई को तुम्हारी शादी के लिए जुबान दे चुकी हूँ। मैंने उनकी एक नहीं सुनी और घर से निकलकर सीधा होटल गया और वहां से रानिया के साथ दुबई, क्योंकि जो सलूक उन्होंने मेरी बीवी के साथ किया था वो गैर इंसानी सलूक था।